हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल काबा कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने स्टूडेंट्स किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हम जो है फूड को इनटेक करते थे माउथ में और उसके बाद फूड जो है हमारा फूड पाइप से होते होते स्टमक से, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस से वो अनडाइजेस्टेड पार्ट बाहर निकल जाता था। तो इसके बारे में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। जिसने नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो देख लेना, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो आज हम करने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो पहले मैं आपको ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में बता दूं, घास खाने वाले ऐसे जानवर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है काओ। ठीक है, काओ जो है ग्रास ईट करती है ना, घास खाती है। तो स्टमक में उसका क्या प्रोसेस है, जैसे हम कोई चीज उसे देते हैं, सपोज हमने उसे जो है चपाती दी है, वो अगर हम उसे ज्यादा दे रहे हैं तो क्या करती है, एक सडन क्या करेगी, वो मुंह में लेगी और स्वेलो कर जाएगी। ठीक है, या फिर आटे का बना के दे देते हैं ना पेड़ा, वो स्वेलो कर जाएगी और वो निगल जाएगी। और वो कहां पे जाके स्टोर कर लेती है उसको, स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं र्यूमन। र्यूमन इज अ पार्ट ऑफ अ स्टमक वेयर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, जहां पे फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ओके, ये ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये पार्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं र्यूमन। अब उसे जब खाना होता है, दोबारा लेना होता है, तो ये र्यूमन से जो है वो बाहर की तरफ माउथ में दोबारा आ जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे स्टोर किया होता है ना र्यूमन में वो फूड, वो दोबारा माउथ में ले आती है और वो क्या करती है, जुगाली करती रहती है, कड फॉर्म कर देती है। ठीक है ना, देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट आ जाता है ना उसके मुंह पे, कड होता है वो। और ये प्रोसेस को बोला जाता है र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन और ऐसे जानवर जो करते हैं उन्हें बोला जाता है र्यूमिनेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ग्रास होती है एक तरह से, तो उसके लिए तो फूड ही है। और वो जो होते हैं रिच होती है सेलुलोज में। सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से जो है उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, किसका, ग्रास ईटिंग एनिमल, एग्जाम्पल था काओ। ओके, एक और है टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, यह है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब देखिए ये डायग्राम जो बना रखा है ना, बड़ा आप इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती जी। ठीक है, ये कंटिन्यूसली ना चेंज करता रहता है अपनी शेप को। इसके अंदर एक राउंड शेप न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी होते हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं। ओके, ये भी है साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसमें एक फूड वैक्यूल है, ये रहा फूड वैक्यूल। ठीक है, अब देखिए इसको सूडोपोडिया या फॉल्स फीड क्या बोलते हैं। ये जो अमीबा है अपनी शेप को कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है। सूडोपोडिया फॉल्स फीड मतलब ये मूव करता है ना, जैसे इसको सेंस आ जाता है इसका फूड जो है, सपोज ये रहा मैंने यहाँ पे शो किया हुआ ये फूड है, इसको सेंसेस से पता चल गया फूड इधर है, तो इसको क्या करेगा, ये एनगल्फ कर लेगा अंदर की तरफ। कैसे ले लेगा, ये हिस्सा जो है ऐसे ले लेगा। ठीक है ना, क्लियर है, और अंदर चला जाएगा फूड, और फूड अंदर जाते ही क्या होगा, अभी तो इधर है फूड, अंदर चला गया ये फूड हो गया। अब ये फूड जो है फूड वैक्यूल में चला गया, और फूड वैक्यूल क्या करता है, उसमें क्या होते हैं, जूसेस होते हैं, वो उस सब्सटेंस को अच्छे से क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है अच्छे से, और फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया फूड का, वो एक्सपेल्ड आउट बाहर की तरफ निकाल देता है। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं इजेस्टेड, वेस्ट, वेस्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये था अमीबा, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखे जाने वाला। ओके, पॉन्ड वाटर में मिलता है। ठीक है ना, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट टू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।